जन्मदिन है, उसकी खुशी के लिए आज हमने कैंप रखा है। कल ओशीवर हमने कैंप रखा था मिस्टर देवन आचार्य मुंबई अध्यक्ष के यहाँ पर। आज मिस्टर बेनिटो डिसोजा असंगठित कामगार जिला अध्यक्ष के यहाँ पर, तो आज उन्होंने यहाँ पर कैंप लगाया है पब्लिक के लिए, फ्री मेडिकल कैंप, फ्री मेडिसिन, जो कि काफ़ी पब्लिक के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है ऐसे टाइम पर, जो मतलब काफ़ी सारे लोग जो अफोर्ड नहीं कर पाते ऐसे टाइम पर उनके लिए काफ़ी सारी सहूलत हो जाती है, काफ़ी सारी मेडिसिन, बहुत कुछ उनके लिए ये टाइम पर मतलब बहुत सारी चीज़ें उनके लिए। शरद पवार साहेब हैप्पी बर्थडे, इट वॉज हिज 82nd बर्थडे विच वॉज सेलिब्रेटेड येस्टरडे। वी ऑल्सो हैड अ कैंप ऑर्गेनाइज एट ओशीवारा विच वॉज ऑर्गेनाइज बाय सर देवन आचार्य द मुंबई प्रेसिडेंट, एंड इट वॉज द सेम कैंप वेर इन द पब्लिक गॉट फैसिलिटीज फॉर द ब्लड प्रेशर चेकअप एंड द हेल्थ चेकअप विच वॉज एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। एंड टुडे बींग द डे ऑफ प्रतिभा ताई बर्थडे, आई वुड लाइक टू विश अ हैप्पी बर्थडे, एंड वी हैव ऑर्गेनाइज द सेम कैंप हियर इन जू फॉर ऑल द पीपल अराउंड एंड द नेबरिंग प्लेसेस वेर इन दे कैन अवेल द सेम फैसिलिटीज ऑफ द फ्री ब्लड कैंप एंड हेल्थ चेकअप एंड डायबिटीज चेकअप। ऑल्सो अ डोनर्स कैंप इज बीन ऑर्गेनाइज फॉर देयर ऑर्गन्स, एंड दिस वॉज द बेस्ट initiative taken up by the NCP team, that is Vinito, the Northwest District President, along with Devan Acharya, the Mumbai President, to help the people out on this special occasion. So I wish them all the best for their future and always. Thank you. Thank you, ma'am. I want to wish Sharad Pawar sir and his wife Pratibha happy birthday. It is the 82nd birthday. We also thank him for the whatever he's doing for India, and we pray that God will bless him with long life to serve his people. We also thank the Benito D'Souza and Devan Acharya for their work which they are doing to serve the people. Thank you. Ma'am. Yeah. I wish Sharad Pawar Sahib and his wife happy birthday on the occasion of birthday. I wish Devan Acharya and Benito D'Souza organized a medical camp free of cost, which is really a good benefit for the people. Okay, thank you. Thank you. And Pratibha Bai, a very, very happy birthday. We thank the NCP camp, especially Divya Acharya and Benito D'Souza, organizing this free medical camp. Thank you. Okay. अच्छा, मैं डॉक्टर वीरेंद्र गुप्ता अपेक्स किडनी केयर में काम करता हूँ। तो सबसे पहले तो मैं श्री शरद पवार जी और उनकी पत्नी को उनके जन्मदिन पर हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूँगा। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो कल हमारा कैंप हुआ था वो ओशीवेरा में हुआ था, जहाँ पे हमने अप्रॉक्सीमेटली 250 पेशेंट देखे थे। और वहाँ पे हमने ना जब सब पेशेंट का ब्लड टेस्ट किया, शुगर चेक किया और बीपी चेक किया ना, तो हमें कम से कम ऐसे 100 पेशेंट मिले ना जिनका ब्लड शुगर ज़्यादा था और जिनका ब्लड प्रेशर भी ज़्यादा था, बट वो कोई मेडिसिन नहीं ले रहे थे। तो हमने उनको अपनी तरफ से कुछ ब्लड प्रेशर के मेडिसिन के बारे में उनको गाइड किया और शुगर की मेडिसिन के बारे में गाइड किया, और उनको रेगुलर फॉलोअप करने के लिए बोला है, और कुछ ब्लड इन्वेस्टिगेशन भी बोले हैं ताकि वो अपना आगे का जो भी है प्लान अच्छे से कर सके। और आज ये जो कैंप हो रहा है, ये कैंप हो रहा है सेंट जोसेफ जू
जून में हो रहा है, तो यहाँ पे भी अभी तक हम लोगों ने तकरीबन 150 पेशेंट देख लिए हैं। यहाँ पे भी जो हम लोग ब्लड शुगर चेक कर रहे हैं, पेशेंट का बीपी चेक कर रहे हैं, और यहाँ पे भी हमें कहीं ऐसे पेशेंट मिले हैं, अब तक मुझे लगता है मोर देन 70 पेशेंट ऐसे मिले हैं जिनको पता ही नहीं था कि उनका डायबिटीज़ है, उनको ब्लड प्रेशर है। तो यहाँ पे भी हम लोगों ने उनके डायबिटीज़ और ब्लड शुगर को डिटेक्ट करके उनको उसके हिसाब से मेडिकेशन दिया है। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद शाह आलम है, मैं एपेक्स किडनी फाउंडेशन की तरफ से यहाँ पे आया हूँ। सबसे पहले मैं पवार साहब को और उनके अभिनंदन को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। जो कल कैंप हुआ जो घोषी ओसीवेरा में, वहाँ पे 200-250 पेशेंट हम लोगों ने देखा, और आज यहाँ पे 150 प्लस पेशेंट्स हो गए हैं। ऐसे मरीज यहाँ पे हम लोग देखे जो कि पैसों के डर से नहीं जा सकते थे, बड़े हॉस्पिटल में नहीं जा सकते, लेकिन यहाँ पे कैंप में आके उनको फ़ायदा हुआ। जो बीमारी निकली है उनका हम लोगों ने इलाज बताया है, समझाया है, जो कि पता नहीं था उनको। मैं देवा अन्ना और उनकी पूरी टीम को धन्यवाद करूँगा कि ऐसा कैंप उन्होंने हर साल करते रहते हैं, और बहुत से मरीज़ जो दवाई नहीं खा पाते हैं, बड़े हॉस्पिटल में नहीं जा पाते हैं, उनको दवाइयाँ और डॉक्टर्स सब अवेलेबल करा के उनको फ्री में जाँच सब चीज़ का मुहैया कराया है। थैंक यू। मेरा नाम नीलेश शेड़गे है, मैं एपिक्स किडनी फाउंडेशन में कोऑर्डिनेटर हूँ। आज जो यहाँ पे कैंप हो रहा है वो ये शरद पवार सर और उनके अर्धांगिनी उनके बर्थडे के निमित्त है। मैं उनको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। आज जो कैंप का जो हमें सौभाग्य मिला है वो देवन साहब की वजह से मिला है, और डॉक्टर साहब ने जैसे बताया यहाँ पे कैंप हुआ है, बहुत सारे लोगों ने उसका फ़ायदा भी उठाया है। और ख़ास इसमें है कि ऑर्गन डोनेशन अवेयरनेस यहाँ पे किया जा रहा है, और काफ़ी लोगों ने आके ये अवेयरनेस का फ़ायदा उठाया है। सबको पता चला है कि ऑर्गन डोनेशन कितना ज़रूरी है लाइफ में। और थैंक यू मैं देवन साहब को बोलता हूँ कि हमें हर टाइम हमें बुला के हमें ये सेवा का लाभ उठाने का चांस दे। यहाँ पे शुगर टेस्ट होता है अभी, और बीपी चेकअप होता है, कंसल्टेशन होता है डॉक्टर्स के साथ में, उनके पास से होता है, और बाकी जो है हम और भी करना चाहते हैं। जैसे देवन सर हमें चांस देंगे हम और भी करेंगे। मैं यही बोलना चाहती हूँ सारे लोगों को कि आज जो जू में चर्च में आज जो भी फ्री मेडिकल क्लेम हो रहा है, यहाँ पे जो भी सबको फ्री दवाई बांटी जाती है, जो भी गरीब लोग आते हैं सबके, तो मैं अन्ना का शुक्रगुजार हूँ कि अन्ना को धन्यवाद करती हूँ कि ताकि उसने शरद पवार जी के बर्थडे में ये फ्री मेडिकल कैंप किया है। और हमारे अली भाई भी है मेरे साथ, वो भी इतने अच्छे हैं, वेनिटो है हमारे साथ, जो भी सब मिलके ये आज जो जू चर्च में जो हुआ है मेडिकल, ये बहुत सबके लिए मैं धन्यवाद करती हूँ। और फर्स्ट तो मैं मीडिया वाले को सबके लिए, सारे भाई लोगों को मैं शुक्रगुजार करती हूँ जो आप लोग यहाँ पे आए हुए हैं। अली भाई कुछ बोलेंगे आप? आई थैंक शरद पवार एंड हिज वाइफ फॉर हैप्पी बर्थडे, एंड देवर एंड गनीटो अ वेरी बिग थैंक यू फॉर ऑर्गेनाइजिंग दिस कैंप विच इज़ गिवन टू अस, गॉड ब्लेस देम। आई विश अ वेरी हैप्पी बर्थडे टू परत सवर सर एंड टू हिज वाइफ, एंड आई ऑल्सो वॉन्ट टू थैंक देविन एंड बेनीटो डिसूजा फॉर ऑर्गेनाइजिंग दिस कैम्प and for taking care of everything. We thank them very much and we hope they continue to do so. Thank you. Salim Pathan aur main Ishanya Mumbai Jilla Adhyaksh Rashtravadi Asanghatit Kamgar se hu, aur dusri baat hai ki aaj hamare Pawar sahab ke birthday ke netrutv mein yahan ke Mumbai adhyaksh Devananda ne jo medical camp rakha hai iska yahan pe bahut se logon ne fayda liya hua hai, और पवार साहब का 82 इयर्स अभी उनको कंप्लीट हुए हैं, और हम चाहेंगे कि उनको और अच्छी लंबी उम्र मिले और वो देश सेवा करते रहें। बस इतना मैं चाहूँगा। सर आपके? मैं एनसीपी का यूथ का तालुका अध्यक्ष हूँ अंधेरी वेस्ट का। पवार साहब के बर्थडे के विश इसमें और देवान्ना साहब ने ब्लड डोनेशन का कैंप रखा है, और इन्होंने
और दो तीन कैंप रखा था यहाँ पे, जैसा 12 तारीख 12 को लोखंडवाला में रखा था लोटस मेट्रो के बाद, आज फिर यहाँ जू पे रखा है। ऐसा ये अच्छा काम करते हैं और लोगों का इसमें फ़ायदा हुए, इसलिए उन्होंने मेडिकल कैंप और शुगर डायबिटीज़ जो भी है उनके लिए अच्छा कैंप रखा है। दवाई ववाई यहाँ पे फ्री दी जा रही है, इसका जो भी है बेनिफिट लिया जाए। शैक्षणिक और ए, अपने मेडिकल कैंप्स और अलग अलग प्रोग्राम लिए हैं जो समाज को फ़ायदेमंद हो, समाज की जिसको ज़रूरत है ऐसे प्रोग्राम उसने लिए हैं। फादर इस बार इसने पहले ही बार यहाँ पे प्रोग्राम लिया, लेकिन हमेशा वो आपको सताने वाला है, यहाँ पे प्रोग्राम लेने वाला है। विनीतो और ये दोनों आपको बहुत सताने वाले हैं, और हमारे आलम भाई भी यहाँ के तालुका अध्यक्ष हैं, वो भी आपको सताने के लिए आ जाएंगे, प्रोग्राम लेने के लिए आ जाएंगे। तो हमारे यहाँ पे जो दीवान प्रोग्राम लेता है, तो जैसे पवार साहब के जो विचार है ज़्यादा से ज़्यादा 80% पॉलिटिक्स न करके खाली समाज सेवा करने के, सोशल वर्क करने का है, तो उसके वो ट्रैक पकड़ कर ये देवांडा चलता है। अच्छा, हमारे पार्टी में हम लोग ज़्यादा महिलाएं ज़्यादा है, और अभी ज़्यादा से ज़्यादा युवक है। युवक इसीलिए है पवार साहब के साथ, क्योंकि स्टार्टिंग से पवार साहब के पास, क्योंकि स्टार्टिंग में पवार साहब यंग ही थे, तो इसीलिए उनके साथ युवक जुड़े हुए थे। आस्ते आस्ते हम लोगों ने देखा गए पवार साहब को भी उनकी एज कभी दिखाई नहीं दी हम लोगों को, हमेशा जैसे मैंने देवा के बारे में बोला, उस तो ये सब देवा उनसे सीखा हुआ है। हमेशा हमारे यहाँ पे जो युवक है ना, अभी हम लोग एजेड हो रहे हैं, लेकिन पवार साहब कभी उनकी एज उन्होंने कभी नहीं, सबसे ज़्यादा इन युवकों से ज़्यादा पवार साहब आगे आगे चले जाते हैं, और वो हमेशा आगे का 10 साल आगे क्या होने वाला है वो सोचकर उस हिसाब से प्रोग्राम बनाते रहते हैं। हमारे पार्टी में ज़्यादा से ज़्यादा महिला इसीलिए है क्योंकि पवार साहब की माँ भी सोशल वर्क करती थी, वो भी नगर सेविका थी वहाँ की, तो इसलिए उन्होंने बचपन से ये सारा सीखा हुआ है। हालांकि वो कम्युनिस्ट पार्टी की थी, पवार साहब कांग्रेस में उन्होंने जैसे पॉलिटिक्स में पैर रखा, तो उस समय से पवार साहब ने कांग्रेस से, कांग्रेस माइंडेड ही पवार साहब थे, तो कांग्रेस माइंडेड होने से उनकी डेमोक्रेसी लोकशाही पद्धति से वो सोचते थे, और वहाँ कम्युनिस्ट विचार के होने से फाइटिंग के लिए बहुत पहले से हमेशा आगे रहे हैं। तो हम लोग महिला इसीलिए जुड़े हुए हैं क्योंकि उन्होंने स्टार्टिंग से, मैं देख रही हूँ अभी मुझे 50 साल हो गए मैं उनके साथ काम कर रही हूँ, तो मैंने उनको देखा हुआ है कि जब से उनको मैंने देखा है तब से उनको उन्होंने हमेशा महिलाओं के बारे में ही सोचा है। 92 में उन्होंने पहली बार देश में कहीं पे भी 30% आरक्षण सोशल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के लिए नहीं था, तो उन्होंने पहली बार लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के लिए 30% आरक्षण रिजर्वेशन यहाँ पे महाराष्ट्र में दिया, तब वो मुख्यमंत्री थे। उसी समय उन्होंने सारे पार्टी के महिलाओं को बुलाकर, मृणाल ताई, अहिल्या रावलेकर, इन सभी को बुलाकर एक बहुत बड़ी मीटिंग ली। उन्होंने ये नहीं सोचा कि ये अपोजिशन वाले हैं, ये अपने साथ नहीं चलते। उस समय, हालांकि उस समय मुझे बिल्कुल अच्छी तरह याद है, मृणाल ताई पवार साहब के खिलाफ थी, उन्होंने लाठनी मोर्चा निकाला था, लेकिन इसीलिए लाठनी मोर्चा निकाला था क्योंकि उस समय थोड़ी सी महंगाई हो गई थी। अगर अभी मृणाल ताई होती थी ना, तो लाठनी तो उनके बराबर करती थी उनको लाठनी से, तो हालांकि हमारे में उतनी ताकत नहीं है, लेकिन उस समय वैसे थे। तो मैंने वहाँ पे थोड़ा डिस्कशन भी किया कि अपने विरोध में भी कुछ कितनी महिलाएं हैं, तब भी हम लोग उनको बुला रहे हैं, तो सामने का नहीं, ऐसे नहीं सोचने का। अगर महिलाओं के लिए कुछ सोचने का है तो सभी महिलाओं को साथ लेके, उनके अलग अलग पार्टी के, अलग अलग संस्था के, अलग अलग विभाग के, प्रांत के, सारे महिलाओं को इकट्ठा लेके उनको, क्योंकि महाराष्ट्र में सभी जात प्रांत के लोग हैं, तो उनके, उन महिलाओं को क्या तकलीफ होती है वो हमें ये करने का है, उसके लिए सर्च करने का है। फिर पवार साहब ने एक महिला
धोरण लाया महिलाओं के लिए 93-94 में, 92 में उन्होंने महिला आरक्षण लाया, 93-94 में ये महिला धोरण आ गया। उसके बाद थोड़ा एक कम करके तो उसके बाद उन्होंने ये महिला धोरण करते करते इसीलिए महिला धोरण लिया क्योंकि ताकि हम महिलाओं को सबलीकरण होना चाहिए। एक तो उनको रिजर्वेशन होने से हम लोग कॉरपोरेशन में तो आ गए, सब स्थानिक स्वराज्य संस्था में हम लोग सब आ गए, लेकिन हम लोगों को काम कैसे करने का वो मालूम नहीं था। उस समय एक शिवसेना की महिला थी, 9 यार्ड साड़ी पहनी हुई थी, यहाँ पे ही थी क्या अपने वरली, वहाँ से कुछ जीत कर आई थी। तो वो मुझे बोली, अरे तुमसे पवार साहब कैसे ऐसे ऐसे कुछ बोलने लगी। तो मैंने कहा क्या क्या हुआ, तो बोली नहीं थोड़ा सा ना उनको उनके लिए हमें थोड़ा ये होता है। तो मैंने कहा असल में बोलो ना क्या हुआ करके। तो मैंने कहा आज जो तुम यहाँ पे आ गई है ये बोलने के लिए, ताकि 9 यार्ड साड़ी पहन के भी तुम्हें यहाँ से तुम आ गई है क्योंकि तुम कुछ बोलने के लिए लायक हो गई, नहीं तो आज तक तुम्हारे पार्टी में कभी ऐसी बोली थी, तो बोली नहीं। मैंने कहा आज तक तुम्हारे लाइफ में तुम्हें कभी टिकट मिला था, तो बोली नहीं। तो बोली पहली बार मैं तब वो बोली नहीं नहीं सॉरी मैंने ऐसा नहीं बोलना चाहिए था कि पवार साहब की वजह हम महिलाएं बाहर निकलने लगी। फिर उन्होंने 50% आरक्षण स्थानिक स्वराज्य संस्था में 50% आरक्षण दिया, और महिला धोरण जब उन्होंने लाया था, महिला आयोग लाया यहाँ पे, तो ये सब करते समय उन्होंने महिलाओं का सबलीकरण करने के लिए उन्होंने 10% आरक्षण 10 या मुझे अपने लोग इनको दिया, पुलिस इसमें रिजर्वेशन रखा, और 10% आरक्षण इसमें दिया जो म्हाडा और ये जो सारी संस्थाएं हैं ना उसमें महिलाओं के संस्था जो है उनके लिए उन्होंने वो आरक्षण दिया। तो इसके लिए ना हर क्षेत्र से संस्था से महिला जुड़ने लगी, बाहर आने लगी। शायद वो हमारे साथ नहीं भी चली होगी और किसी भी पार्टी में होगी, लेकिन तब भी महिला बाहर निकली। ये पवार साहब का बहुत बड़ा योगदान हमारे भारत के लिए है। तो ऐसे करके पवार साहब हमेशा बहुत आगे आगे का सोचते हैं। जब पवार साहब ऋषि मंत्री थे, एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे, तब उन्होंने पूरे देश के लिए ही नहीं तो हमारे देश से बाहर भी कैसे हम लोग अपना आयात निर्यात का उन्होंने वो किया, और हमारा देश को ऋषि प्रधान देश बनाया। तो एक ए हो गया, और फिर वो जब इसमें थे डिफेंस मिनिस्टर थे, तब उन्होंने महिलाओं के लिए वहाँ पे कुछ आरक्षण रखा था। तो इसलिए सारे क्षेत्र में जहाँ पे उन्होंने पैर रखा है वहाँ पे उन्होंने महिलाओं के बारे में सोच समझकर उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को कैसी फैसिलिटीज़ देना चाहते वो उन्होंने सोचा है। अभी रही बात ये सारे युवक पवार साहब के साथ क्यों जुड़े हुए हैं, सारे युवक इसीलिए पवार साहब को साथ जुड़े हैं। उन ये लोग सोचते ही नहीं कि पवार साहब 82 ईयर्स उन्होंने कंप्लीट किया है। इनको लगता है कि पवार साहब का एज अभी 28 ईयर्स ही है करके, क्योंकि जिस हिसाब से पवार साहब चलते हैं ना उस हिसाब से ना इन लोगों को सभी को बच्चों को सभी को लगता है पवार साहब हमारे साथ साथ हैं, पवार साहब हमारे एज के हैं। इसलिए सारे बच्चे हैं ना पवार साहब को कभी भी कैसे भी जाके मिलते हैं, उनके छोटे बड़े प्रॉब्लम हैं वो उनको बताते हैं, और ऐसे करके ना हम सब पवार साहब को बहुत प्यार करते हैं। पवार साहब का जो बर्थडे होता है वो हमारे पार्टी के लिए एक बड़ा उत्सव होता है, देश में बहुत बड़ा उत्सव हम लोग मनाते हैं। और इसीलिए मैं अभी चाहती हूँ कि हमारे भी एज पवार साहब को मिलने दो, ताकि हम लोग कुछ कर नहीं पाते हैं लेकिन पवार साहब जो कुछ करते हैं ना वो आप सभी को उसके आप सारे यंग हैं आप लोगों को भी हम लोगों ने जो हम लोगों को जो फैसिलिटीज़ मिली हैं हम महिलाओं को जितना कुछ हम लोग बाहर निकले उससे ज़्यादा पवार साहब और भी बहुत कुछ सोच सकते हैं। वो सारी फैसिलिटीज़ आप सभी को मिलना चाहिए, मैं चाहती हूँ। और पवार साहब के जैसे सेकुलर आदमी
अपने देश में ऐसे ही होना चाहिए, वो हो गए हैं, और इसीलिए हम सब पवार साहब को उदंड आयुष्य लाभो ऐसे करके भगवान के पास प्रार्थना करते हैं। और आज मैं फादर के साथ बैठी हूँ तो मुझे मालूम है फादर के दिल में भी यही, मैंने जो बात बोली यही फादर के दिल में भी है, तो फादर भी हमारे पवार साहब के लिए दो शब्द बोले। महाराष्ट्र राज्य के लोक नेते और भारतीय राजनीति के महारथी सम्मानीय माननीय शरद पवार जी के उनके जन्मदिन के अवसर पर हम हमारे लोगों के द्वारा उनको हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं और साथ ही साथ ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर उनको अच्छा स्वास्थ्य लाभ दे। जैसा कि हम जानते हैं कि शरद पवार जी जब 38 ईयर्स के थे 1978 में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने, इतने कम उम्र में, और आज 82 साल के हो गए, इतने सालों से वो राजनीति कर रहे, समाज सेवा कर रहे, और उसी का एक उपक्रम आज हमारे यहाँ एक मेडिकल कैंप का आयोजित किया है। मैं हमारे लोगों की ओर से उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ और साथ ही साथ लोगों से ये अनुरोध करता हूँ कि साहब ने हमारे सामने जो एक आदर्श रखा है, एक राजनीति करने का आदर्श, एक समाज सेवा करने का जो आदर्श है, उसको अनुकरण हमारे नवयुवकों को करना चाहिए। और इसी के साथ मैं आपकी ओर से भी सभी ऐसा दुर्घटना घटा सकते हैं जो महाराष्ट्र के अंदर कुछ अच्छा हिला सकते हैं, तो उसके जन्मदिन के शुभ अवसर पर हम लोग एक मेडिकल कैंप लिया है जैसे देवान्ना जी ने, और हम लोग खास करके अंधेरी पश्चिम तालुका से हम लोग कोशिश करेंगे साहब के मनोबल को बेसिकली हम लोग बढ़ा सकें, महाराष्ट्र के नेतृत्व करने के लिए मनोबल बढ़ा सके, इसके लिए हम लोग सब आए और शुभेच्छा देते हैं साहब को भी और साहब की उम्र के लिए भी दुआ करते हैं ताकि साहब के जो और उम्र बढ़े और हमारा महाराष्ट्र में कुछ अच्छा करें, ये बोल के हमारा तो सब खत्म। सबसे पहले सभी अतिथियों का और हमारी अल्पना ताई जो हमारी गुरु स्थान है, प्रेरणा स्थान है, उनको मैं इधर नमस्ते करता हूँ, और उनका जो आज वो यहाँ पर उपस्थित है, हमारा जो आज जो मनोबल और ताकत जो है, आज जो हमको जो गाइडेंस मिलती है और जो हमको राजकरण शिक्षा या फिर आप बोलेंगे एडुकेशन जो पॉलिटिक्स का दिया गया, हमारे जो गुरुस्थान हमारी अल्पना ताई प्रिंटर है, मतलब इन्होंने जिस तरीके से हमको भीड़ पकड़ के रास्ता सिखाया, मतलब राजकरण किस तरीके से किया जाता है, समाज सेवा किस तरीके से किया जाता है, सच्चाई के रास्ते पे कैसे चला जाता है, वो इनके जरिए हमको समझ गए। पवार साहब के उद्देश्य और पवार साहब का जो मैसेज है, पवार साहब ने जिस तरीके से महाराष्ट्र में, देश में, या फिर हर एक कठिनाई या हर एक बुरे वक्त में जिस तरीके से उन्होंने सब चीज़ें हैंडल किया है, तो वो एक एग्जाम्पल हमारे में कैसा आना चाहिए उसका ज़रिया हमको अल्पना ताई जी ने सिखाया है। तो आज का जो मेडिकल कैंप है ये हम सब की तरफ से, हम तो बहुत छोटे हैं, हमारी तो उतनी एक्सपीरियंस भी नहीं है कि हम पवार साहब के सामने कुछ नजराना या कुछ भेंट रख सकते, बस हमारी ये कोशिश रहेगी जो साहब की विचारधारा थी कि मानव सेवा ही माधव सेवा है, तो साहब ने जिस तरीके से लोगों के लिए अपना टाइम ना देखते हुए इतने साल का राजकरण उन्होंने अपना परिवार एक तरीके से रख के, पूरे देश को अपना परिवार समझ के, उनका एक एक मुद्दा, उनका एक एक दर्द, अपने दिल का दर्द समझ के उन्होंने जो किया है काम, तो हम भी यही चाहते हैं, हम भी आगे भी यही कोशिश करेंगे। जैसे आज साहब का 82nd बर्थडे है, 12 तारीख को साहब का था, 13 तारीख जो आज का दिन उनकी अर्धांगिनी जो उनकी जो शक्ति स्तंभ है उनका जन्मदिन है, तो इन दोनों जन ने, जैसे बड़े साहब ने और ताई ने, दोनों ने मिलकर जो देश के लिए किया है, तो हमारी, हम जो छोटे से कार्यकर्ता है, हम भी एक छोटी सी कोशिश रखते हैं, सामने नैवेद्य रखते हैं हमारे देव भगवान के सामने कि एक जिस तरीके से समाज सेवा में मेडिकल कैंप चल रहे, इससे जो आज रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ताई पब्लिक जो लोग हैं आज डॉक्टर्स के पास जा नहीं सकते, क्योंकि एक बार जाएंगे तो आपके 500 रुपया खर्चा होना ही है,
इधर की इधर जो आज हमारे अंधेरी वेस्ट में या अपने अंधेरी विधानसभा में जो आप देख रहे हैं कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आदमी 500 रुपये बोले तो उनका हफ्ते भर का खर्चा है, तो इस जरिए से जो लोग का लाभ होगा तो जितनी भी जन है उनके उनके जहन में ये रहेगा कि अरे हाँ एनसीपी पार्टी पवार साहब के लोगों ने हमारे लिए किया, तो ये मैसेज हम एज अ गिफ्ट पवार साहब तक पहुँचा सकते थे। और यहाँ पर उपस्थित हमारे साइमन फादर है जो सेंट जोसेफ के सेंट जोसेफ चर्च के फादर है, हम इनका बहुत बहुत आभारी है जिन्होंने हमको इतनी सारी सुविधाएँ दी इधर। और ख़ास करके मैं एपेक्स किडनी फाउंडेशन के पूरे तमाम ट्रस्टीज़ को और तमाम मेम्बरान को मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने हर साल लगातार हमको मदद करते आए लोगों के लिए। हमारी हम उनके पास प्रार्थना लेके जाते हैं, वो हमारी प्रार्थना सुनते हैं, और हर साल जैसे पिछले कोविड के टाइम में उसके बाद में लगातार 1000 लोग 800 लोग आज भी ओशीवारा में हो गए, 450 लोग ओशीवारा में हो गए, आज भी अभी मेडिकल कैंप चालू है, कम से कम 350 लोग आके गए थे, अभी और लोग आना बचा है। तो इनके वजह से इनके ज़रिए से हम एक छोटा सा एक ज़रिया बन जाता है कि पब्लिक तक हम पहुँच पाए थे। और राष्ट्रवादी पार्टी का जो मैसेज है वो एक एक छोटे से छोटे आदमी के बीच में जाए, जो ये आज का जो तय आप तो देख ही रहे मोदी सरकार चल रहा है, जो ये एक तरीके का महादानव है, तो जैसे श्री कृष्ण भगवान क्या बोलते हैं।